अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी कताब सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो भाई आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई व्लॉग शुरू करने से पहले मैं बैकग्राउंड देता चलूँ। मैं कोई पिछले 15 दिन से काम कर रहा हूँ बुरहानी हॉस्पिटल जो कि सदर में है, इसकी ओपीडी फार्मेसी में। तो मैं चाहता था कि इस पर एक प्रॉपर व्लॉग बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैं यहाँ पे, मतलब कि हम यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। और इसलिए मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स वगैरह में इसका तذکرہ नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले ओपीडी फार्मेसी की सेटिंग बताता हूँ और फिर हम चलेंगे काउंटर की तरफ और देखेंगे कि क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मतलब कि फ्रिज रखी है फ्रिज आइटम्स के लिए, मतलब कि स्पेसिफिक टेम्परेचर में जिन ड्रग्स वगैरह को रखना होता है, आई वी फर हो गया, विनिफर, इंसुलिन और सपोजिटरीज वगैरह हो गई। तो ये देखें, और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मतलब कि मिल्क सप्लीमेंट्स वगैरह रखें। आगे हम चलते जाते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ से मतलब कि कुछ सर्जिकल आइटम्स वगैरह रखे हैं। और अगर यहाँ पे आप नीचे देखें तो ओरल ड्रॉप्स हो गए बच्चों के, और कुछ प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स वगैरह के साशे, ORS वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा, यहाँ से हमारे शुरू होते हैं टैबलेट का सेक्शन, सॉरी कैप्सूल्स का सेशन, ठीक है। यहाँ से मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हैं कैप्सूल्स, और यहाँ से चलते चलते मतलब कि यहाँ पे कैप्सूल्स मतलब कि एंड हो रहे हैं। यहाँ से हमारा टैबलेट्स का सेक्शन शुरू हो रहा है और ये सारा टैबलेट्स का सेक्शन है, ठीक है। हर चीज़ मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, वहाँ पे मतलब कि हमारा टैबलेट का सेक्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये हमारा इंजेक्शन का सेक्शन, ठीक है। यहाँ से मतलब कि डे लाइन हो गया, डे जोन हो गया, बोफेलगन वगैरह, ये सारे से मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है यहाँ पे। मतलब कि थोड़ी बहुत एक्सेप्शन वगैरह भी हैं, बाकी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है यहाँ पर हर चीज़। ये जी यहाँ की फार्मेसी का काउंटर है जहाँ से मतलब कि हम पेशेंट्स को या कस्टमर्स वगैरह को डील कर रहे होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन वगैरह के हिसाब से उनको और ड्रग्स डिस्पेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि ओपीडी फार्मेसी है तो यहाँ पे आईपीडी और आउट पेशेंट्स वगैरह आलमोस्ट मतलब कि सेम रेशियो के हिसाब से आ रहे हैं, जबकि आईपीडी जो होती है वहाँ पे आलमोस्ट मतलब कि वही पेशेंट्स आ रहे थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हों या जो मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर के ही होते हैं। अच्छा, तो गाइज मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मैं किस टाइम ये जॉब कर रहा हूँ। एक्चुअली इस टाइम हो रहे हैं रात के 4, और मैंने क्योंकि नाइट जॉब मतलब कि नाइट का टाइम चूज़ इसलिए किया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर यूनिवर्सिटी के वापसी में मैं 3 या 4 बजे सदर नहीं पहुंच सकता, इसलिए मैंने कहा कि भाई रात का टाइम होगा तो मैं इजीली वहां से यहां तक पहुंच भी सकता हूं, और सुबह अगर चाहूं तो क्लासेस वगैरह रिज्यूम भी कर सकता हूँ, कि मतलब कि टाइम पर आधे घंटे के बाद मतलब कि वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। और मोस्टली सुबह के टाइम हमारी फ़र्स्ट लैब्स होती हैं, तो ये सोच के मतलब कि मैंने चूज़ किया था। खैर, यूनिवर्सिटी तो मैं अभी भी कभी कभार नहीं जा पा रहा क्योंकि टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो गया, रात का टाइम है, सोना होता है, सुबह जब जाता हूँ थका होता हूँ। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स मतलब कि जो हैं नाइट टाइम मतलब कि ड्यूटी करने के, तो उसके वो ये हैं कि अगर मैं फ़ायदों की तरफ जाऊँ तो मतलब कि इस टाइम रश बहुत कम होता है पेशेंट्स का, सही है। और ये भी है कि मतलब कि हमें यहाँ पर मतलब कि अलाउ है 3 से 4 घंटे सो भी सकते हैं हम, और 12 घंटे की ड्यूटी है। मतलब कि जो बाकी 2 टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग और इवनिंग की, उनकी हैं 8-8 घंटे की, हमारी हैं मतलब कि 12 घंटे की, और हमारा मतलब कि 3000 नाइट का अलाउंस भी है। लेकिन उसका मतलब कि जो मैं फ़ायदे बता रहा था उसमें ये है कि हम रात को अगर चाहें तो 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे सो भी सकते हैं, लेकिन खैर इतना टाइम अभी बच नहीं रहा क्योंकि मैं अभी सीख भी रहा हूँ, तो मतलब कि जो क्रिटिकल वगैरह की लिस्ट है वो सारी मैं कर रहा हूँ, तो मतलब कि ऑलमोस्ट मुझे 1.5 से 2 घंटा सोने को मिल जाता है। और अगर मैं नुकसान की तरफ जाऊं नाइट में ड्यूटी करने के, ये कि मतलब कि आप चाहे 3 घंटे भी सो लें तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो मतलब कि एक कंटिन्यूस जो मतलब कि स्ट्रेस या डिप्रेशन है आपके मतलब कि माइंड में, एक वो चलता रहता है, नींद पूरी नहीं होती आपकी। लाइट चली गई। अच्छा, बहरहाल तो मतलब कि एक मैं ये नुकसान बता रहा था, दूसरा ये कि पेशेंट आ गया था तो दवाई देने चला गया था उनको, तो बहरहाल मैं नुकसान बता रहा था। दूसरा नुकसान उसका ये है कि क्योंकि रात में पेशेंट कम होते हैं तो आपको कंपैरेटिवली सीखने को भी काफ़ी कम मिलता है। अच्छा, तो नुकसान और फ़ायदे तो मैंने बता दिए, अभी चलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम यहाँ से मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू हम ऑर्डर वगैरह कैसे मतलब कि प्लेस करते हैं,
जब मतलब कि डिस्पेंस करते हैं कस्टमर्स को मेडिसिन, तो कंप्यूटर में उसकी एंट्री वगैरह कैसे करते हैं, तो मैं मतलब कि एक सैम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। दूसरा, क्रिटिकल की मैंने बात की, क्रिटिकल लिस्ट क्या होती है, वो हम कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको एक अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मतलब कि CPO हमारे पास ओपन हुआ पड़ा है, कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री। तो मतलब कि हर हॉस्पिटल का डिफरेंट मतलब कि अपना किसी ना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से वो वगैरह वो बनवाती हैं, सही है। तो अभी होता क्या है इस पे, मतलब कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो रनिंग आइटम्स हैं केलैक, नोस्पा, ग्रेविनेट, इंजेक्शन वगैरह, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट एंटर करते हैं, और उसके बाद जो मतलब कि फाइनल बिल बन के आता है उसमें मतलब कि वो हम रिसिप्ट जो है कस्टमर को देते हैं और वो हमें बिल पे करता है। अच्छा, इसमें एक ये है कि यहाँ पे मतलब कि जो डिस्काउंट है वो फिक्स्ड है, मतलब कि यहाँ पे 5% है, उसके लिए हमें कुछ इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मतलब कि हम बिल बनाएंगे उसमें 5% डिस्काउंट जो है वो मतलब कि फाइनल में से ऑलरेडी मतलब कि वो डिडक्ट हो जाएगा, सही है। तो अभी करीब से मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके लिए थोड़ा एंगल वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्रिटिकल आइटम लिस्ट क्या होती है। अच्छा, तो भाइयों हमारी क्रिटिकल आइटम लिस्ट ये होती है, ये जो देखिए मेरे हाथ में है अभी। अच्छा, इसमें क्या मेंशन होता है कि क्रिटिकल आइटम लिस्ट, पहले मैं आपको बताता हूँ कि होती क्या है। ये वो होती है जो मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट रनिंग आइटम्स जो होते हैं किसी मेडिकल स्टोर वगैरह के, या मतलब कि हॉस्पिटल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी कुछ भी, तो ये उसकी लिस्ट होती है, सही है। इसमें हमें करना क्या होता है कि एक तो है कंप्यूटर बैलेंस, कि कंप्यूटर में कितना बैलेंस आ रहा है, क्योंकि हम उसमें हर चीज़ इंटर करते हैं कि इतने इंजेक्शन वगैरह सेल आउट हो चुके हैं, सही है। दूसरा ये कि हमारे पास फिज़िकल उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें वो चेक करना था कि कंप्यूटर का बैलेंस और फिज़िकल बैलेंस आपस में मैच कर भी रहा है कि नहीं। अगर तो वो कर रहा है तो ये देखें यहाँ पे आपको टिक वगैरह नज़र आ रहे होंगे, सही है। तो ये मतलब कि कंप्यूटर और फिज़िकल बैलेंस सेम है। अगर नहीं आ रहा तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि प्लस लगे हुए हैं, तो मतलब कि कंप्यूटर के हिसाब से यहाँ पे बैलेंस थोड़ा ज़्यादा है। अगर नहीं होगा तो मतलब कि वो हम माइनस में जाते हैं। तो ये होता है हमारे क्रिटिकल आइटम लिस्ट। तो ये हम मतलब कि हर शिफ्ट वालों को, हर फार्मासिस्ट को, मतलब कि जो नई शिफ्ट आती है उसको ज़रूर करना होता है, ताकि वो नेक्स्ट अपने फार्मासिस्ट आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट वाले को हैंड ओवर कर सके कि हमारे पास इतना बैलेंस मौजूद था। अच्छा, बस मेरे ख्याल में यही था, मैं आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ बता चुका हूँ। मैंने कोशिश की है कि जो भी मतलब कि मेन मेन जो चीज़ें हैं मैं वो कवर कर सकूँ। तो बहरहाल ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग था बुरानी हॉस्पिटल का। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में या फिर किसी कराची यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।